नमस्कार, BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लॉक मुख्यालय साजा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सिंगनपुरी का है, जहाँ कलयुगी बेटे ने रोष में आकर बाप को उतारा मौत के घाट। आपको बता दें कि पूरा मामला सिंगनपुरी का है, जहां बाप बेटे दोनों खेत में खाद डालने जा रहे थे, जहां पर दोनों के बीच कुछ बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने गुस्से से अपने पिता के ऊपर पास में रखे धारदार हथियार से सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे 65 वर्षीय पिता की तत्काल मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर तत्काल साजा थाने से स्टाफ पहुंचे, जहां पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि पत्थर में लगने से मौत हुई करके मामले को गुमराह किया। मामला तब समझ में आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट लगना सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने बेटे से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें बेटे ने पिता की हत्या करने का स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी हेमंत निषाद उम्र 24 वर्ष को धारा 302 तहत मामला दर्ज कर साजा न्यायालय में पेश किया गया। ग्राम सिंगनपुरी में दिनांक 10/1 को भागवत राम निषाद के मौत हो गई थी। उसके संबंध में उनके लड़के हेमंत के द्वारा बताया गया कि खेत में खाते सीखते समय पत्थर में गिरने से उसके सिर में चोट आया और मौत हो गई। तो मर्ग कायम करके शव को पंचनामा करा दिया। पंचनामा करने के बाद उसका PM कराने हैं, तो साझा लगाए शव को। PM रिपोर्ट जब प्राप्त हुआ तो PM रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा लिखा गया कि मृतक के सिर में धारदार हथियार से चोट आने के कारण उसकी मृत्यु। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के अंतर्गत बनाए जाने वाले गौठान को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन सजग दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि जिले में अब तक केवल 50% ही गाठौन का निर्माण हो पाया है, वही 50% गाठौन का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है, जिसके निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन सजगता नहीं बरत रहे हैं। आपको बता दें कि शासन की ओर से बेमेतरा जिले को 270 गाठौन बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से केवल 140 गाठौन का ही निर्माण हो पाया है, वही अब भी 130 गाठौन निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसे लेकर जिला पंचायत CO गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही प्रशासन के ढीले रवैये के कारण ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिलते नजर आ रहा है। वही बेमेतरा जिले के खुड़मुड़ी और झालम के गाठौन में गोबर खरीदी बंद है, जिसकी सूचना के बाद भी जिम्मेदारों ने आग मूंद रखी है। प्राप्त आंकड़ों की माने तो अब तक 80,000 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिससे कई गाठौन में वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाया जा रहा है, जिसे कृषि विभागों के माध्यम से बेचा जा रहा है। अभी हमारे ज़िले में लगभग 270 गोठान बनाने का प्लानिंग है, उसमें से 140 के करीब बन चुके हैं और लगभग 80,000 क्विंटल से ऊपर हमने गोबर का क्रय कर लिया है। और सारा जो गोबर हम ले रहे हैं उसको विधिवत वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, और वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है उसको हमारे विभिन्न विभाग हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट इत्यादि खरीद रहे हैं या प्राइवेट में कई किसान भी खरीद रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ये अधिक से अधिक मात्रा गोबर की खरीदी जाए और पूरा जो गोबर आ रहा है उसको उसके 35-40% मात्रा के बराबर का वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। BCN न्यूज के लिए बेमेतरा छत्तीसगढ़ से विजय देशलहरे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।